press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसका फायदा हमारे इतने लाखों बच्चों को क्यों नहीं मिला और क्या कर रहे थे ये लोग इतने दिन के लिए, मैं आपको बताना चाहती हूं। इन्होंने ये सोचा कि राजनीति मजा है, मजा है अपने परिवार को सुदृढ़ बनाओ, अपनी बेटियों की शादियां करवा दो, अपने बैंक को सुदृढ़ बना दो, अपना इंतजाम कर लो, जनता बाद में देखा जाएगा क्या होता है। ऐसे 55 साल निकाल दिए एक परिवार और ये लोग साथ में मिलके, उन लोगों ने पूरे देश का लूट मार करने के सिवाय और कुछ किया नहीं। ये पहली दफा आपके सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिस प्रधानमंत्री ने 4 साल में हम लोगों को हमारी इज्जत वापस देने का काम किया है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने चला के शौचालय सफाई से लेके ऊपर तक सब काम करने में कोई कोताही नहीं बरती है। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको याद होगा वो राजस्थान, कभी भी जयपुर आ जाओ, कभी भी अलवर के यहाँ से निकल जाओ, आपको याद दिलाती हूँ वो राजस्थान जिसके अंदर गंदगी शौचालय सोच बाहर हुआ करता था, सब गंदगी की फैला हुआ था। आज 4 साल के अंदर आपने देख लिया कि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर एक सफाई का वातावरण है। आपने देख लिया हमारे राजस्थान के अंदर 80 लाख टॉयलेट बने, 80 लाख शौचालय। तो हमारे कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, अरे कुछ कुछ में तो पानी नहीं आता है। मैंने उन लोगों को ये कहा, बन तो गए पानी भी आ जाएगा, हर चीज को हम 5 साल के अंदर नहीं कर सकते, अगर हम कर सकते थे तो तुम भी कर सकते थे, हमसे जवाब क्यों पूछते हो, तुमने क्यों नहीं करके दिखाया, आज हमसे पूछ रहे हो, वसुंधरा जी जवाब दो, हिसाब दो। मेरे से हिसाब मांग रहे हो, मेरे से जवाब मांग रहे हो, और कौन मांग रहा है, जिनने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, जिनने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है, जिसने सबसे ज्यादा दुराचार किया है और जिसने सबसे ज्यादा दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसे लोग मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंच, हर मंच पे गौरव यात्रा के अंदर मैंने खड़े होकर सबको अपना हिसाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको मैंने ऊपर से नीचे तक गिना है क्या पैसे थे, क्या क्या स्कीम्स थी, और सबने हाथ ऊपर करके हमको सराहने का काम किया और हमें ये कहा अच्छा काम हुआ है करते जाओ। सबने माना कि 5 साल के अंदर जो कायाकल्प हुआ है वो 50 साल के अंदर नहीं हुआ है, ना भूतों ना भविष्य में ये काम हुआ है। और ये मैं हिसाब के लिए चैलेंज करती हूँ कि मेरे साथ और कोई भी मुख्यमंत्री खड़ा हो जाए और गिनती करा के मुझे ये कह दे कि वो जनता के बीच में मेरे से ज्यादा गया हो, गिनती करके मेरे को बता दे कि कितने उसने दौरे किए, गिनती करके मेरे को बता दे कि हर क्षेत्र के अंदर उसने क्या काम किया। और मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ अगर दुगुना तिगुना काम उन लोगों से हम लोगों ने नहीं किया है तो फिर हमें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।